श्री श्रोतागण एवं मित्रों, हार्दिक शुभकामना। आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से अधिक कुंडली का ज्ञान प्राप्त कराऊँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। केतु ग्रह कुंडली के किन किन राशि एवं भावों में रंग से राजा बनाता है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको सुनिए। और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसे संपर्क। जिसके कुंडली में लग्न में धनु राशि है, उसमें अगर केतु बैठा हुआ है, दोस्तों ये रंग से राजा बना देता है, पूर्ण सफलता देता है, इच्छा अनुसार उन्नति कराता है, इच्छा अनुसार सामाजिक प्रतिष्ठा बनाता है। जिसके कुंडली में चौथे भाव में मीन राशि हो, उसमें केतु बैठा हुआ है, दोस्तों ये पूरा सांसारिक सुख देता है, ऐसो आराम देता है, किसी बात की कमी नहीं होने देता है, व्यक्ति को पूर्ण शिक्षित और विद्वान बनाता है। इसके कुंडली में पांचवें भाव वृश्चिक राशि हो, उसमें अगर केतु बैठा हुआ है, दोस्तों कम परिश्रम में अच्छा शिक्षा देता है, बेरोजगार नहीं रहने देता है, ऐसे लोग जीरो से अपना कैरियर चालू करते हैं, हीरो बन जाते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में मिथुन राशि कन्या धनु राशि क्षमा करें जिसके नौवें भाव में धनु राशि है, उसमें अगर केतु बैठा हुआ है, दोस्तों अपार सफलता देता है, सांसारिक सुख देता है, सामाजिक सुख देता है, पारिवारिक सुख देता है, और छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति कराता है, व्यापार कराता है, अपनी पहचान ये स्वयं बनाता है। जिसके कुंडली में ग्रहमें भाव में सिंह राशि हो, उसमें अगर केतु बैठा हुआ है, दोस्तों ये कम परिश्रम में अच्छी सफलता देता है, गुप्त धन भी देता है, जमीन से संबंधित धन देता है, इनको अक्षमातिक पद मिलता है, अक्षमातिक इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है, ये उदार और भावुक होते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मेरे द्वारा विश्लेषण कराना चाहते हैं तो संपर्क करिए, उसके लिए थोड़ा आपको शुल्क देना होगा, शुल्क देंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। आपके सहयोग के लिए मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। मैं इतना कहते हुए आपसे विदा ले रहा हूँ, नमस्कार।